लॉकडाउन के चौथे चरण में जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के आधार पर दुकानों को खोलने की अनुमति के साथ साथ लोगों को जरूरी कार्य से बाहर आने जाने के लिए पास जारी किया, जिसकी आड़ में बिना पास के कुछ गाड़ियां सड़क पर धड़ल्ले से दौड़ने लगीं, जिसकी जांच पड़ताल के लिए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बेरीपार थाना क्षेत्र के मरवड़िया कुआं चौराहे पर बने चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह के नेतृत्व में बेरीपार थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह दल बल के साथ मौजूद रहे। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान कुछ गाड़ियों का चालान भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, तो आपको कुछ शासन के ऊपर हैं, आदेश आपको मालूम है, 7 बजे के बाद नहीं चलना है कोई। किस चीज का पास है? मुनीम है। कहाँ पे? लालापुर में मुनीम है, तो 7 बजे के बाद बताया मैंने। इसमें एक जो अनुपालन ये कराया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है और ये प्रतिदिन रहेगा। इस रात शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे किसी भी व्यक्ति और वाहन का आवागमन नहीं होना है। केवल इसेंशियल सर्विसेज जो हैं, इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इनके लिए केवल अनुमान्य किया गया है, जो कि डीएम साहब का आदेश है, शासन का आदेश है, उसी का अनुपालन कराया जा रहा है। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, सभी जो भी अगर ऐसा मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।